नमस्कार, आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, अब आप लोग क्या कहते हो, आप लोग क्या वीडियोस देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट पाम रीडर होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। कुछ कमाने आते हैं, कुछ उल्लू बनाने आते हैं, बनाने आते हैं नहीं आते हैं, तो उनके हिसाब से आपने जो सीखा कि बुध जो होता है इस पर अगर जितनी अच्छी लाइनें टेढ़ी ऐसी सीधी लाइनें होंगी तो जो है वो साइंस दिलानी चाहिए उसे, ठीक है, साइंस दिलानी चाहिए। आप लोग ये कहते हो यहाँ साइंस, यहाँ पर एक लाइन ही है ये दिख रही है, ठीक है, कोई ज़्यादा है नहीं, तो आप मना कर दो उसे, साइंस नहीं दिलानी। अब क्वेश्चन क्या आया था कि सर ट्वेल्थ में मैं फेल हो गया हूँ लेकिन साइंस ले रखी है, आगे जाकर क्या साइंस मेरे लिए ठीक है, ठीक है, क्या साइंस ठीक है, क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ नहीं करूँ, आगे मेरी लाइफ में क्या क्या दिखते हैं, ठीक है, क्या इस बेसिस पर इसे साइंस ना दिलवाएं। देखो लॉजिक क्या है, साइंस अगर ये वाला मैं यहाँ देखता, यहीं देखता और फिर मैं आगे बताता तो शायद मैं बेवकूफ होता। मुझे क्या देखना है कि इस समय इसकी लाइफ में, बच्चे में इस समय क्या चल रहा है। देखो ये सारा जो टाइम पीरियड है, ये वाला जो सारा टाइम पीरियड है ये पढ़ाई का है, ये जो लाइनें आई हैं ये पढ़ाई की। अगर गवर्नमेंट जॉब का देख रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं बन रही इसकी, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं बन रही है, यानी इसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है पहले तो इस बच्चे की, ये यहाँ से ये इंडिकेशन मिलती है, ठीक है ना। अब इसको देख कर आप आगे बढ़ोगे, इसको देख कर आगे बढ़ोगे ना, ठीक है, कि इसकी लाइफ में अगर ये वाली लाइन आई है और इस पे ये कट के निशान है, देखो एक ये कट का निशान है, एक ये कट का निशान है, एक ये आइसलैंड है, ऐसे ये आइसलैंड है, ये कट का निशान है, तो यानी 19 20 और 21 यानी ये इस समय पर, और ये है इस वक्त 18 साल का, तो यानी ये पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसने गलत ले ली साइंस, लेकिन ये बढ़ेगा साइंस से ही आगे, क्योंकि इसकी सोच जो है वो इस पर टच हो रही है। अब ये सोच हो रही है तो इसको पहले बताओ बेटा नीट की तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, डॉक्टर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज न्यूज़ में आया है कि 720 में से 715 वाले का भी एडमिशन नहीं हुआ है, वो धांधली हो गई या कुछ हो गई या कुछ, इसलिए नहीं कह रहा मैं कि 715 वालों का एडमिशन नहीं हुआ तो 13 कैसे हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, आप ये देखो कि इसने 21 साल तक पढ़ाई करनी है और इसके बाद जो है ये पढ़ाई नहीं हो सकती। अभी क्या है, 18 साल का है, 18 से 19 साल के बीच में ये साइंस दिलाना ठीक नहीं है। इसे कहो कि ले ली तो कुछ नहीं होता लेकिन ऊपर की सारी चीज़ों को छोड़ दे। अब ये यहाँ पर इसकी कोई नौकरी वगैरह भी नहीं है, यानी कोई डॉक्टरी वगैरह भी नहीं है, लेकिन ये है, ये सारी लाइनें जो है ना, ये लाइनें इन लाइनों के साथ जुड़ी है, नौकरी नहीं है ये, लेकिन ये आगे बढ़ेगा साइंस से ही बढ़ेगा, छोटी चीज़ टेक्निकल चीज़ से बढ़ेगा। अब टेक्निकल में कोई कुछ भी हो सकता है, केमिस्ट की दुकान खोल ले, होलसेल खोल ले, कुछ कर ले, होलसेल के लिए तो थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन ये करेगा वही। अब पहले यहाँ से पता करो तभी आगे बढ़ोगे, आप तभी आगे बढ़ोगे। अब ये सारे साइन ये वाले ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, या ये एक साइन प्रॉपर्टी का ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ डॉट ये क्या इंडिकेट कर रहा है, फिर ये जो ट्रायंगल बना है इस पर यूं 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 करके है, तो यानी 24 साल तक तो ये नौकरी करेगा, उसके बाद इसके घर वाले मिलकर ये कोई काम शुरू करेंगे, सेटिस्फेक्शन इसे नहीं मिलेगी, यहाँ कोई प्रॉपर्टी मैटर आएगा और इसके बाद इसकी लाइफ जो होगी ना, क्योंकि ये ट्रायंगल्स आगे जाकर ये ऐसे कन्वर्ट हो गए, ये लाइनें ऐसे जाकर आगे जाकर जो यहाँ चेंजिंग है, कोई अपने चेंज करोगे, ठीक है, तो यानी 31 32 पे यहाँ पर फिर अपनी
अपने काम में चेंजिंग करनी है। मुद्दा क्या आता है कि कैसे पकड़ा, ये है ही केमिस्ट, ठीक है, कोई और चीज़ ये है ही वही चीज़। लेकिन साइंस लेकर इसको आगे बड़ा नहीं करने देना, बड़ा नहीं करने देना, साफ मना करो। बीसीए नहीं करने की ज़रूरत, एमसीए करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको जो इंजीनियरिंग में जाने की ज़रूरत है, ना ही डॉक्टरी में जाने की ज़रूरत है साइंस लेकर। उसको उसको क्लियर करो, उसके दिमाग में आया क्या, बच्चे के दिमाग में ही आया कि मुझे आगे जाकर केवल केमिस्ट या उससे रिलेटेड ही आगे जाना है। तो उसकी हर चीज़ समझ आ जाती है कि बच्चा क्या करना चाहता है। सेटिस्फेक्शन इस समय पर नहीं है। ये क्यों नहीं है कि इस समय इसकी शादी हो रही है, शादी बन, देखो ऐसे में, ऐसे समय पर जब प्रॉपर्टी में कोई डॉक्यूमेंटेशन या कोई चीज़ें हो रही हैं या कोई यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ कर रहे हैं और ये वाले साइन पर ये, तो यहाँ पर नहीं करवानी शादी, नहीं करवानी, नहीं करवानी, ठीक है, यहाँ नहीं करवानी। ये 29 से 31 के बीच में ज़रूर चेंजिंग होनी है इसकी। कोई नई दुकान खोलेगा, उसका कोई चेंजिंग करेगा, बढ़ाने की सोचेगा, ज़रूर है, कंस्ट्रक्शन है या कोई है, ये ज़रूर होना है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, केवल आप यहाँ सोच कर बैठे हो, गलती खाओगे, गलती खाओगे। पहले आप ये देखो कि इस बच्चे की लाइफ में कितनी हर्डल्स और कितनी ऐसी एनर्जी लेवल है जो कि ख़राब चल रहा है। क्या वो डॉक्टर बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। कोई कोई जो है होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाते हैं, कोई जानवरों के डॉक्टर बन जाते, लेकिन उसके साइन होते हैं, वो डॉक्टरी लाइन को ही पकड़ रहा होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा, लेकिन वहाँ वहाँ क्या हो रहा होता है, इस जगहों पर, इस जगहों पर ऐसे साइन बने होते हैं, वो एडमिशन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ कुछ नहीं है ऐसा साइन, यहाँ है ही नहीं, नहीं है। ये जितने साइन आ रहे हैं ना, ये वाले जो जितने साइन आए हैं, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड आए, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड आए। तो इसको देखोगे तो समझोगे। देखो इसका ग्राफ देखो आप, देखो इसके ग्राफ में यहाँ क्या है, ये देखो यहाँ क्या है, ये पढ़ाई से रिलेटेड है। ये एडमिशन अगर अपने कॉलेज में कोई चाह भी रहा है, किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में चाह भी रहा है, तो वो डिज़ायर में नहीं होगा, हो जाएगा ये 21 साल तक ही है। इसमें इसको फेल होने से बचना है, कोई बैक ना लगे, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बस यहीं तक ये पढ़ाई करेगा। इसके बाद जो है ये वाले साइन में, ये इन साइनों के मतलब क्या हैं, ये वाले साइनों के मतलब क्या है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स से रिलेटेड चीज़ों पर, वो यहाँ तक ये जो है ये पूरी होगी, ये जो पीछे से चल रही है, ठीक है, ये जो पीछे से चल रही है 17-18 पे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, ये वो है, कोई पेंडिंग पड़ी हुई थी उस पर कंस्ट्रक्शन कराओगे अगले 2 साल में, 19 से 20 साल के बीच में, ठीक है। ये भाई से रिलेटेड है और यहाँ दो अपनी कोई अपना काम करना है, इसके बीच में आप नौकरी करना है, ठीक है, 21 के बाद नौकरी करना, चाहे दूर मिलती है दूर करना, ठीक है। अगर पेरेंट्स बोलते हैं मैं पैसा लगाकर आपको दुकान खुलवा सकता हूँ, वेस्ट ऑफ मनी है, नहीं, एक्सपीरियंस गेन करो। इसके बाद 24 से 25 में अपना काम करो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, इस समय पर प्रॉपर्टी फिर कोई परचेज होगी या पहले बेची जाएगी या परचेज होगी उसके बाद, ठीक है। ये काम को आपने बढ़ाया, इसको इनक्रीज करके उसकी शाखा खोली 29 से 31 में, यहाँ खर्चे थोड़े से ज़्यादा हुए, और ये है कि 25-26 में शादी नहीं करनी, ठीक है, 27 से 28 में करनी है, लेकिन 32 साल तक जो है अपनी शादी को बचा के चलना, इसका मतलब ये था, ठीक है ना। तो ऐसे अगर चिन्ह बने होंगे तो चीज़ें समझ, ये प्रॉपर्टी है ना, पुश्तैनी है ना, पुश्तैनी है ना, यानी उस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन होना है, ये उसकी सोच को बता रहा है जो यहाँ पर ली गई है, ठीक है। तो 21 से 22 में भी आपके पेरेंट्स या आप चाहो
कि मैं यहाँ पर अपना खोल लूँ, कुछ कर लूँ, नहीं, यहाँ पर आपको नौकरी करनी पड़ेगी कुछ समय, और ज़िंदगी भर तो नौकरी कर ही नहीं सकते हो आप, तो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद ये अपने काम आ रहे हैं, अपने काम आ रहे हैं, तो यहाँ तो गवर्नमेंट जॉब का है ही नहीं, लेकिन ये वाली एनर्जी लेवल ख़राब था, सब कुछ था, तो मैंने कह दिया कि यहाँ पर इसको साइंस दिलाना एक्चुअल में सही नहीं था, लेकिन ले लिए तो छोटे टेक्निकल कोर्स में आप कर सकते हो, क्योंकि इससे वो नौकरी को नहीं करेगा, वो अपना बिजनेस करेगा, वो भी छोटा वाला, लेकिन उसे बढ़ाएगा। ये है, ये कैसे कैसे कर लोगे जब आप लाइन ही देख के उसे समझा दोगे, एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्यों नहीं बताओगे, एग्जैक्ट टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ उसकी लाइफ में, कैसे पता लगेगा, ऐसे ही पता लगेगा। देखो क्वेश्चन क्या, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, 18 साल का है बच्चा, साइंस ली है, फेल हो चुके, ठीक है, लाइफ में आगे क्या 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 लिखा है, लिखा है बेटा कुछ नहीं होता, ले ली कुछ नहीं होता, लेकिन डॉक्टरी फॉक्टरी सब सारी चीज़ों से हट जाओ। सर जी वो तो मैं नीट की तैयारी करने की सोच रहा था, नहीं करनी, गाइडेंस दो, नहीं करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा। अब ये ट्रायंगल बना हुआ है और यूं यूं करके बना है, तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, घर वाले कह रहे हैं कि बेटा अब तो तू तेरा काम खोल दिया, तेरी शादी कर देते, नहीं करवाओ। ओ हाँ, लड़की जो है वो चाहे वो लड़की अपना कोई काम करे, ट्यूशन खोले, कुछ खोले, ट्यूशन सेंटर, ब्यूटी पार्लर, बुटीक फुटीक, ऐसे में ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे 32 साल तक जो है इसकी मैरिड लाइफ को बचाना है। तो लड़की अगर कुछ नहीं रहेगी, घर में रहेगी, तो क्या होगा, लड़ाइयाँ ज़्यादा रहेंगी। ये गाइडेंस देनी ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।